just a mind that got reflected with actually with some thing that exists in the nature. From the beginning of anything. So this is the thing that we all were searching, and now we got the thing. So now we have to be satisfied with ourselves and with our surroundings, and then slowly you will get the exact thing that each has to do, and it's all about the presentation. When we talk, when we go somewhere, when we do anything, that time we just have to present what we actually are. If we will present what we are not, then the impact of your words will not get anything. So this is what all about. And I have learned so many things. I've worked so hard, and it's because of all the things I am doing all the things properly. So if you are connected with the channel or like with me somewhere from any contact, then we are working together in front of the blank time where humans are one kind of species. Those who have developed technology and so many other things, but nature is very, very advanced. Okay, so as much we will observe it wisely, it will make ourselves more wiser and more productive. So this is the 33 number. Now I'm going to sing a normal song so that you can get a normal frequency too. Thank you.
ऐसे मोमेंट जब हम सोचा हुआ मान लेते हैं और उसके बाद उसको एग्जीक्यूट करने के लिए अपनी बॉडी को एक्टिव करते हैं, तब हम उस स्टेट ऑफ माइंड में एक्टिव हो जाते हैं जो कनेक्टेड है सभी जीव जंतुओं से, और उसके बाद हमारी आंखें, हमारी नाक, कान, सर, मुंह, थोड़ी लैम सॉरी सब कुछ बहुत ही स्पिरिचुअल, एवरीथिंग ऑब्जर्व बाय ऑल द सेंसेस, मतलब हमारी जितनी भी सेंसेस हैं वो सब एक्टिव हो जाती हैं जैसे ही हम अपने रिलैक्स मूड से एक्टिव मूड में आते हैं, उस टाइम पर हमारी जितनी भी नॉलेज है, हमारी जितनी भी वेल विशेस हैं, हमारी जितनी भी विशेज हैं और हमारी जितनी भी डिशेज हैं, सारी की सारी चीज़ें हमारे साथ हमारे एक शरीर में एक्टिव हो जाती है, और उसके बाद हम जब कुछ करते हैं या किसी से इंटरेक्ट करते हैं तब उसके साथ एक तरह से हम एक कोऑर्डिनेशन स्टेबल करने के लिए कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करते हैं, या जो हमारी साइंस होते हैं कुछ भी मैसेज कन्वे करने के लिए, वो सारी नॉलेज जो एक पर्सन को होती है वो दूसरे पर्सन के साथ बैलेंस्ड होते हैं, जैसे कि जाओ तुम चाहे जाओ,
याद करोगे जाओ तुम चाहे जहां याद करोगे के एक लड़का दुनिया में जो दे सकता है तुम्हें जाओ तुम चाहे जहां याद करोगे कहीं नहीं जा सकते तुम मुझको छोड़कर क्योंकि जब तुम मुझे जानते हो तो छोड़कर कैसे इसके लिए So, the reason behind making this thing is my own self and where I'm stuck, herself. So, this is what that I can do and I'm actually speaking truth, okay? मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ जो भी बोल रहा हूँ और अगर विश्वास नहीं होता तो मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि तुमको टाइम लगेगा इस चीज़ के साथ कोऑर्डिनेट करने में और मैं भी तुम्हारी तरह ही हूँ कोई बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि पता नहीं कुछ अलग सा ही हो गया पर फिर भी कुछ चीज़ें हैं ऐसी जो मेरे साथ बहुत अलग सी होती हैं और वो ही हर एक इंसान का इंटरेस्ट होता है मतलब हर एक पर्सन जो भी जीता है वो किसी तो चीज़ के ऊपर जिएगा ना तो वो चीज़ कुछ भी हो सकती है जो सबको अट्रैक्ट करती है जो सबको उनको एक जगह से दूसरी जगह मूव करती है वो इंटरेस्ट हर किसी का अलग होता है तो जो मेरा इंटरेस्ट है वो एक तो वही है जो सबका होता है पर जो दूसरा इंटरेस्ट है जिसकी वजह से सबका इंटरेस्ट नया जनरेट हो रहा है वो इंटरेस्ट नेचर है मतलब प्रकृति जिसमें हम रहते हैं भाई अगर हम इसी के बारे में नहीं सोचेंगे तो फिर तो हमको वो चीज़ें समझ ही नहीं आएंगी जो एक्चुअली समझनी होती है हम जीते तो रहते ही हैं जी रहे हैं ठीक है खा रहे हैं पी रहे हैं सो रहे हैं जो भी मन में आ रहा है कर रहे हैं पर एक्चुअली कुछ चीज़ें होती हैं हमको जो हमको इस शरीर को सिखानी होती है क्योंकि ये शरीर जब यहाँ पर नहीं होता तो इसको कुछ नहीं पता होता जब ये यहाँ पर आता है तब ये पूरी चीज़ें सीखता है जो पेरेंट्स बताते हैं टीचर्स बताते हैं या जो भी चीज़ें हमको सिखाई जाती हैं कुछ कोई भी कर रहा है उससे हम कुछ ना कुछ जब सीखते हैं तभी हम उसको समझते हैं और उसके बाद हम उसके अगेंस्ट या फिर उसके जवाब में उस पर्टिकुलर चीज़ के बाद अपने बिहेवियर में चेंज लाते हैं या फिर हम कुछ ऐसा करते हैं जिससे कि अगर हमको किसी बात का हर्ट हुआ हो तो वो हर्टनेस दूर हो जाए और अगर किसी बात का बहुत अच्छा लगा हो तो उसमें फिर हम क्या कर सकते हैं वो ही हम समझते हैं और ऐसे ही हमारा इंटरेस्ट जनरेट होता है तो अब
आप सबका इंटरेस्ट जो भी था या जो भी है वो आपका इंटरेस्ट है। अब उसमें मैं तो आपको ये नहीं कह सकता कि भाई जो मेरा इंटरेस्ट है वो आप भी अपना बना लो इंटरेस्ट, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता। पर मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि जब हम नेचर में रहते हैं, एक जगह ही रहते हैं, तो वहाँ पर अगर हम सही में हैं तो हम सही में, तो वो जो सही है वो सही क्यों है? और अगर गलत भी हमको लग रहा है कुछ, तो वो गलत भी क्यों लग रहा है? ये तो हमारी ही बनाई हुई चीज़ें हैं ना, सही गलत। तो इसलिए अभी गलत जिनकी समझ में कुछ है वो भी यहाँ पर आकर एक चीज़ हो जाती है बस। और वो चीज़ क्या है? यही सारी मिथ्या है। तो अब ज़्यादा कुछ नहीं, अब ये जो भी सिचुएशन चल रही है, जो भी हेल्थ डिपार्टमेंट ने अपना काम किया है बहुत ही बेहतरीन, इसमें सबको टाइम मिल गया है कि आने वाले टाइम में कैसे हम एक्चुअली टाइम को यूटिलाइज कर सकते हैं। और उसके लिए हम अब एकदम से कोई नई चीज़ तो स्टार्ट कर नहीं सकते, क्योंकि हम जैसे ही नई चीज़ स्टार्ट करते हैं तो हम उस चीज़ के सामने शून्य बन जाते हैं। और फिर हम अपना जितना भी एटीट्यूड ग्रैब किया होता है वो उस टाइम पर नहीं रख पाते जब हम कुछ चीज़ सीख रहे होते हैं। इसलिए ज़्यादातर लोग सीखना पसंद ही नहीं करते। पर इसलिए हमको अब उन चीज़ों को देखना है जो हम आज तक करते आए हैं, या जो हमारी ज़िंदगी थी अब से पहले की, वो उसमें देखो कि उसमें क्या चीज़ बेहतर थी। जो भी चीज़ बेहतर थी उस चीज़ को और इंटेंसिटी से समझो, और उस चीज़ को कैसे प्रेजेंट करना है या उस चीज़ से कैसे तुम अलग साबित होगे, वो चीज़ के ऊपर ध्यान दो। और उसके बाद जब हम सब एटिकेट्स, मैनर्स, बॉडी लैंग्वेज, और सबसे ज़रूरी बात है कि इमोशन, करुणा, मतलब एक ऐसा भाव जिसमें बहुत ही फ्लो है, मतलब जैसे पानी में अगर आप कोई चीज़ डालोगे, जैसे अगर आपने मग पानी में ऐसे डाला तो उसमें एयर के प्रेशर से वो मग एक स्प्रिंग की तरह काम करता है, मतलब वो स्प्रिंग बन जाता है, वो इतना फ्लो, इतना स्मूथ है, मतलब आप सोच के देखो। तो वो चीज़ है नेचर में। आपने कभी ऐसा देखा है कि एकदम से सूरज आके ऊपर आ गया? नहीं, ऐसा नहीं होता। सुबह होती है, रात होती है, रात से जब सुबह में हम जाते हैं तो एक ट्रांजिशन होती है, धीरे 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 धीरे, मतलब अंधेरा कम होता है, रोशनी आती है, और फिर उसके बाद दिन होता है, और फिर वो एक पैरामीटर को ग्रैप करता है, मतलब, और फिर शाम को वैसे ही स्लोली, मतलब एक स्लो, एकदम, मतलब फ्लो। और उस फ्लो में जब आप आ जाओगे तो आपको सारी चीज़ें खुद ब खुद समझ में आ जाएंगी। तो इसलिए जो भी पहले का समय था वो था, अभी बस सिर्फ खुद को तैयार करो। एक एक इंसान की बहुत ज़्यादा कीमत है, और वो कीमत हमको खुद ही अपने एफर्ट से मार्केट से ग्रैब करनी है। और उसमें मैं आप सबकी मदद करूँगा, क्योंकि मैंने मदद कर दी है। अब वो मदद आप तक किस रूप में पहुँचेगी वो आपकी इनसिक्योरिटी के ऊपर डिपेंड करता है, मतलब जहाँ पर भी आपका डर होगा वो डर को कवर करेगी वो चीज़ जो मैंने की है। और वो चीज़ ज़रूरी नहीं है कि पैसों के रूप में ही सामने आएगी, पैसा बहुत है हमारे पास, पर जो एक्चुअली चीज़ें होती हैं जिनकी बहुत वैल्यू और जिनकी बहुत कीमत होती है सही मायनों में, उन चीज़ों को हमको समझना है, और तब हमको और अच्छा महसूस होगा। ठीक है, चलो ठीक है फिर, ओके, अभी सबको नमस्ते और सत श्री अकाल, आदाब, और
क्या होता है जो भी है, मतलब रिस्पेक्ट देने का, जो भी हर किसी रीजन ने रिलीजन ने बनाया है उन सबको रिस्पेक्ट है, इसलिए सब सांस ले रहे हैं, सब वही कर रहे हैं जो एक इंसान या कोई भी जीव करता है। पर अब हमको थोड़ा सा कुछ ऐसा करना है जिससे के जिससे के हम उन चीज़ों को, उन एनर्जीज़ को समझ पाएँ जो एनर्जीज़ दूसरे जीव जंतुओं में होती है, और वो एनर्जीज़ का लेवल और उन एनर्जीज़ के साथ इंटरेक्ट करना बहुत अलग होता है। और डर, आलस, सेक्रीफाइस और इंटेंसिटी, इन सबके साथ ही कुछ ऐसी एनर्जीज क्रिएट, ऐसी एनर्जीज जनरेट होती हैं जिनको एक्चुअली सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिलती है। तो बस ठीक है, बाकी कोई इसी का दिक्कत नहीं है। ठीक है, ओके, सो ऑल गुड, टेक केयर एंड सी यू।